आप देखे होंगे कि कल किस तौर पे बड़बत्ता से लाठी चार्ज माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनके पास गृह डिपार्टमेंट भी है, यानी पुलिसिंग का सारा कंट्रोल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। छात्र जितने थे 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के जो असमंजस में थे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी भी लिखी। लगातार 10-12 दिन से बीपीएससी भी जान रहा था कि ऐसी बात आ रही है, तो कल स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? बीपीएससी के लोग पहले ही क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया? मतलब छात्रों को कुटाई करने के बाद, सर हाथ फोड़ने के बाद आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं? स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं कि अफवाह है, कोई प्रस्ताव नहीं था? तो बीपीएससी के लोग या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पहले क्यों नहीं बताए? ये बात तो लंबे समय से चल रही है। मतलब छात्र पढ़ाई करेगा, छात्र जो है इनकी लाठी भी खाएगा, छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, अब वोट भी इनको देगा। ये दरअसल जो है अन्याय है। लेकिन बीपीएससी की चालाकी देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा बीपीएससी में जो है वो क्या था? लोगों की असली मांग क्या थी छात्रों की? कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग ये थी कि जब 2-3 दिन तक सर्वर डाउन था, जिसमें लाखों छात्र छात्राओं ने फॉर्म नहीं भर पाए, किसका फेलियर? अगर सर्वर डाउन है तो छात्रों का, छात्राओं का दोष तो नहीं है, ये दोष तो सिस्टम का है, तो छात्र क्यों भुगते? कई ऐसे छात्र हैं जिनका कब होगा नहीं होगा, उम्र निकल जाएगा, तो उसके लिए ये पहल की गई थी कि भाई इनको एक दिन के लिए भी या 2 दिन के लिए सर्वर जो है फिर से खोला जाए, फिर से लोगों को मौका मिले एप्लीकेशन भरने का, और परीक्षा की डेट अगर 1-2 दिन भी बढ़ानी हो तो आप उसको पढ़ा दें। ये असली मांग है। लेकिन कल बीपीएससी ने बोला कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये अफवाह है। तो अफवाह कौन फैलाया भाई? अगर अफवाह इतने दिन से फैल रहा था तो आपकी जिम्मेदारी थी पहले बताना। लेकिन आपने कहीं भी सर्वर का जिक्र क्यों नहीं किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप मौका दोगे कि नहीं दोगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं, क्या वो मौका उन छात्र छात्राओं को देंगे सर्वर डाउन होने के कारण जिनको मौका नहीं मिल पाया? इस पे जवाब चाहिए लोगों को। लोग आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसी अवसर के लिए, और जब तैयारी का मौका आया है तो सरकार इस तरह का रवैया अपना नहीं। पेपर लीक हो जाता है बार बार, हमको तो चिंता है कि कहीं फिर ना पेपर लीक हो जाए। तो कम से कम सरकार को, बीपीएससी को इसमें भी दृष्टि लानी चाहिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तब तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 5 लाख लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटा गया, 3 लाख नौकरी हम लोग जो है प्रक्रियाधीन करा के आए, उसके बाद बताओ क्या सिस्टम रह गया? TRE3 का अब तक जो है रिजल्ट नहीं आ पाया, लोग परेशान। हमने 3 महीने में करके दिखाया, विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट और नियुक्ति पत्र, बिना कोई पेपर लीक के।